हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोग दिल्ली की ब्लॉग वीडियो देख रहे हैं। आज हम लोग का दिल्ली का लास्ट डे है। हम लोग आए हैं अक्षरधाम पे दर्शन करने के लिए। तो अक्षरधाम ये है, ये पीछे दीवार है। अभी हम लोग आगे जाने वाले हैं और दिखाती हूँ मैं। ये वर्ल्ड के गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड है, पूरा दिल्ली का नंबर वन में ये मंदिर है। सबसे बड़ा अद्भुत मंदिर है ये दिल्ली का। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो प्लीज एंड तक आप लोग बने रहिएगा। और शायद तक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, मोबाइल को जमा करना पड़ेगा, सारा कुछ जमा करना पड़ेगा। बस दर्शन करके हम लोग आएंगे, उसके बाद बताऊंगी आप लोग अंदर कैसा है क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स कैमरास मोबाइल इन द क्लोज्ड रूम, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स, बेड्स, ज्वेलरी, स्मॉल मनी पर्सेस आर परमिटेड इन द कॉम्प्लेक्स। ऑल विजिटर्स आर रिक्वायर्ड टू वेयर अ फेस मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक यू। जय स्वामी नारायण। अंदर में स्वामी नारायण की प्रतिमा स्थापित है। दर्शनार्थी कृपया ध्यान दें। आप लोग को बता दूं दोस्तों, ये जगह 100 एकड़ में बना हुआ है। 100 एकड़ में पूरा कैंपस है ये। अंदर दर्शन करते हैं। ये कल जाने वाले थे हम लोग, बट हम लोग चले गए लोटस टेंपल चले गए। यहाँ बताते हैं कि यहाँ एक दिन पूरा लग जाता है घूमने में। तो मैं बोली नहीं, हम लोग को जाना है दूसरे जगह। लोटस टेंपल गए, फिर कल गए थे सरोजनी मार्केट गए थे। कल लास्ट में देखेंगे हम लोग सरोजनी मार्केट की। आज हम लोग यहाँ से दर्शन करके निकल जाएंगे हम लोग वृंदावन के लिए। अभी समय हो रहा है 11 बजने वाले हैं। तो 2 बजे का ट्रेन है वृंदावन के लिए। वृंदावन 2 दिन स्टे करेंगे, फिर तीसरे दिन में आगरा। आगरा 3-4 घंटे का बस है ट्रिप, उसके बाद फिर घर चले जाएंगे। सारा कुछ जमा हो जाएगा अभी हम लोग का। सो गाइस, हम लोग मोबाइल अब जमा करने वाले हैं। ना फोटो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अभी ये फॉर्म फिलअप करना है, मोबाइल जमा करना है, मतलब कितने लोग हैं हम लोग। नाम का और लिखना है बस, ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये देखो लाइन बार से आप लोग देख सकते हैं, पेन मस्त लगा दिए हैं। यहाँ तक का सफर यहीं तक। यार कैसे पेन है ये? अरे अच्छा, ऊपर से ऐसे करना पड़ेगा। नेम क्या नाम है हमारा? LCHN कंचन देवांगन। डेट आज कितना तारीख है? 6। अरे 06/11 मंथ 2022 अम्बिकापुर। पूरा पता अम्बिकापुर। अम्बिकापुर राज्य छत्तीसगढ़। पिन कोड हम लोग का क्या है यार? 4970001। मोबाइल नंबर पहले मैं फिलअप कर ली हूँ अपना फॉर्म। चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं स्वामी नारायण जी। नारायण जी है ना। चलिए चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार, जहाँ जा रहे हैं सब जगह भीड़ ही। और कुछ जल्दी कवर करना है, 11 बज गया है, यहाँ से जल्दी निकलना है। फिर उसके बाद हम लोग को जाना है वृंदावन। राधे राधे। यहाँ से सामान ले लिए हैं, बैग अपना, और ये मैं कुछ सामान ली हूँ पूजा का सामान। तो अंदर बहुत ही अच्छा था, बहुत 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 अच्छा। पूरा 1.5 घंटा तक हम लोग का मोबाइल यहाँ था। और मैं अंदर से ली ये प्रतिमा यहाँ का मंदिर का, और एक ये धूप बत्ती, ये 30 रुपये, नहीं ये 35 रुपये का है, ये 30 रुपये का है। और अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आधा घंटा आप लोग को अंदर जाने के लिए कम से कम बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी से होकर गुजरना पड़ेगा आप लोग। आधा घंटा तो आप लोग को चेकिंग, जांच, सारा कुछ में लग जाता है अंदर जाने के लिए।
और बस ये मिसिंग लग रहा था कि वीडियो शूट नहीं कर पाई, आप लोगों को दिखा नहीं पाई मैं। और अंदर में बहुत सारे देवी देवताओं के प्रतिमा स्थापित किए गए हैं, मतलब मैं जितना तारीफ करूँ यहाँ की कम है। अंदर में फोटो सेशन भी चल रहा था पैसे देकर, लेकिन हम लोग नहीं कराए। कोई बात नहीं, जब आएंगे तभी तो फोटो सेशन करा लेंगे। गूगल में आप लोग सर्च कीजिएगा अक्षरधाम, काफ़ी भव्य मंदिर दिखता है अंदर से। तो अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग को निकलना है 2 बजे मथुरा के लिए, वहाँ 2 दिन स्टे करेंगे, उसके बाद फिर आगरा जाएंगे, आगरा से घर। देखते हैं अभी कहाँ कहाँ जाएंगे, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आप लोग कि कौन कौन सी वीडियो आने वाली है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखती हूँ दोस्तों, अभी हम लोग जाने वाले हैं रूम पे अपना सामान लेंगे, उसके बाद स्टेशन जाएंगे। तो 2 बजे हम लोग का ट्रेन है वृंदावन के लिए, अभी समय करेक्ट 12 बज रहा है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखती हूँ दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और काफ़ी सारे लोग आ ही रहे हैं अभी, और ये जो जगह है, जो प्लेस है अक्षरधाम, 100 एकड़ में बना हुआ है, अंदर एकदम मस्त मस्त देखने के प्लेसेस थे। और अंदर में बुक स्टोर, पूजा का सामान, खाने का सामान, अंदर में कैंटीन भी है, बहुत बड़ा कैंटीन है अंदर में, और मतलब पूरा ए टू जेड पूरा अंदर में स्टोर लगा हुआ है। आप लोग खरीदारी कर सकते हैं जब आइएगा आप लोग को। मैं तो बस फोटो ली और ये धूप बत्ती ली बस। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, चलिए। Bye bye.